नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर अमरोहा से है, जहां सपा कांग्रेस के गठबंधन के परिचय सम्मेलन में सपा नेता की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा नेता की सिटिंग MP गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली की शिकायत मंच से संबोधन करते हुए कांग्रेस के नेताओं का नागवार गुजरा। संबोधन करते समय ही नेता की पिटाई कर डाली और पिटाई में नेता जी का कुर्ता भी फाड़ डाला। मंच पर बैठे सांसद दानिश अली इसे देखते रह गए। दरअसल सपा के एक नेता ने बैठक के दौरान सांसद दानिश अली के क्षेत्र में गायब रहने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद बहस हो गई, देखते ही देखते परिचय सम्मेलन अखाड़ा बन गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से मंगलवार को धनौरा के एक बारात घर में गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली का परिचय कराने के लिए विधानसभा स्तरीय सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन में सपा के जिला स्तरीय नेताओं के अलावा दानिश अली भी आए थे। साथियों, मुझे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जी ने सूचना दी थी 24 तारीख में कि 2 तारीख में आना है, तो उन्हीं के बुलावे पर मैं आज कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था। तो हमारे प्रत्याशी गठबंधन के भाई दानिश अली जी की मौजूदगी में मैंने अपने विचार रखने शुरू किए थे। तभी हमारे जिलाध्यक्ष भाई मस्तराम यादव जी ने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, मुझे धक्का दे दिया और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए मैं तो सच बोल रहा था। कुछ जो गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं, वो उनको बता रहा था MP साहब को, दानिश अली जी को। लेकिन वो उठकर अचानक मस्तराम जी ने मुझे धक्का दिया और मुझे बहुत मारा और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। और इनके साथ में 2-3 व्यक्ति और थे जो मुझे मारने को चढ़ के आए थे, मैं उनका नाम नहीं जानता। बहरहाल मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आप अपने इस भाई की को इंसाफ दिलाने में सहयोग करें, मेरी मदद करें, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोने की तस्करी के शक में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए 36 यात्री फरार हो गए। सभी यात्री सीमा शुल्क अधिकारियों की हिरासत में थे। वो शारजाह से सोने की तस्करी कर फ्लाइट के जरिए लखनऊ पहुंचे थे। वो अपने पेट में करीब 2 किलो सोना छिपा कर लाए थे। उन्हें कस्टम टीम ने सोमवार को पकड़ा था। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि फरार यात्रियों की तलाश की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार की मौत को लेकर मजिस्ट्रियल जांच में उससे जुड़े तमाम लोगों के बयान लिए जाएंगे। अपर जिलाधिकारी ने इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में जो भी अपने साक्ष्य बयान दर्ज कराना चाहे, उन्हें 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है। मुख्तार अंसारी की यूपी की बांदा जेल में 28 मार्च को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे तत्काल बांदा मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आइए देखते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की नेता और बदायूं से सांसद संगमित्रा मौर्य को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब संगमित्रा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रही थी। मीडिया से बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे संगमित्रा को अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। उसने मंच पर रोकर अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया है। बेटी होने का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियां माफ हो जाएं। रोना धोना ओछी और बचकानी बातें हैं। खबर सुल्तानपुर जिले से है, जहां सुल्तानपुर में चुनावी माहौल सज चुका है। बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने भी हुंकार भर दी है। इसी कड़ी में मेनका गांधी ने भूतपुर में अपनी जन चौपाल में अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि रंजीत सिंह, बीजेपी जिला महामंत्री विजय त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख कुंवर बहादुर सिंह, बीजेपी किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी माले एवं पूर्व प्रधान रमेश चंद्र दुबे सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।